हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जो कि वीक 23 3/12/2022 का है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम गणित के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन को। सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा इसी तरह मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए, दो वर्क दे रखे हैं आपको, एक स्मॉल वर्क दे रखा है और एक छोटा बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। राहुल के पास कुछ वर्गाकार टाइलें हैं जिनमें से यहाँ एक बाई ओर दिखाई गई है। क्या राहुल दिए गए क्षेत्र दाई ओर को वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढक सकता है? क्यों नहीं ढक सकता? ढक सकता है, वर्गाकार है तो वर्गाकार क्षेत्र को वर्गाकार टाइलों से ढका जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा हाँ। अगला नेक्स्ट, ये अगेन चित्र दे रखा है, सही या गलत बताना है। दिए गए क्षेत्र में गोलाकार टाइलें पूरी तरह से क्षेत्र को कवर कर रही हैं? जी नहीं, जो गोलाकार टाइलें वो पूरी तरह से क्षेत्र को कवर नहीं कर रही हैं, कुछ कुछ बीच में पार्ट रह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं ऑप्शन। एक वर्गाकार हॉल है जिसमें जिसके फर्श पर कालीन बिछाए जाने हैं। कालीन का आकार कैसा होना चाहिए ताकि फर्श पूरी तरह से ढक जाए? तो वर्गाकार हॉल है तो कालीन भी वर्गाकार ही होना चाहिए, यानी चौकोर आकार का। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर ये हॉल दे रखा है। दिए गए चित्र में कौन सी टाइल बिना कोई स्थान छोड़े कमरे के फर्श को पूरी तरह से भर सकती हैं? तो देखिए, रेक्टेंगल की शेप में है हॉल, तो रेक्टेंगल की शेप ही आएगी इसमें पूरे में जो भर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगेन एक चित्र दे रखा है, सभी भिन्न का चयन कीजिए। सही भिन्न, ठीक है, तीन खाली है, चार में से एक भरा है, ऐसे भी देख सकते हैं, चार में से एक भरा है, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चित्र दे रखा है, क्या दिए गए चित्र में एच आयतन भाग 3/7 का भिन्न दिखाती है? तो देखिए, कुल टोटल ब्लॉक 7 है और खाली पार्ट क्या है, 3 है, तो 3/7 करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दिए गए भिन्न के अंश और हर को पहचानिए 5/6, ठीक है, तो 5/6 है तो 5 अंश हो जाएगा और 6 हर हो जाएगा। उस भिन्न की पहचान कीजिए जिसका हर 5 है, तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, हर 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, उपरोक्त में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 5/7, 5/6, 5/9, 5/8। आप भाग देखिए देखेंगे तो आपको कौन सा बड़ा नजर आएगा, 5/6, ठीक है। अगेन, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो 7/8, 9/8, 3/8, 5/8, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 3/8। दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, 8/9, 17/18, 2/3, 7/6, तो यहाँ पर 2/3 पहले आ जाएगा, देन 8/9 आ जाएगा, देन आ जाएगा 17/18, देन आ जाएगा 7/6। दिए गए भिन्न को अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो 9 बढ़ते हुए क्रम से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/11, 8/9, 2/3, 7/9, 3/5। अब देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, द सन इज अ स्टार अराउंड विच मैनी प्लेनेट्स रिवॉल्व सच मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको एक बताया गया है सन से रिलेट, जो कि एक स्टार है जिसके अराउंड में जो ग्रह हैं, जैसे मरकरी वीनस अर्थ, हमने देखे हैं सोलर सिस्टम के ग्रह का वीडियो, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी फटाफट से उसे जाकर के देखिए। हमने सभी ग्रहों के नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में बताए हैं सोलर सिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, द सन इज अ ब्लैंक, सन इज अ स्टार, ट्रू फॉल्स बताना है। प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ट्रू। नेम द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, ये भी बताया हुआ है उस पर उस वीडियो में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आप सभी के लिए जरूर से देखिएगा, प्लेनेट्स वाला हमारा सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पर नियरेस्ट प्लेनेट बताना है आपको, नजदीक का जो ग्रह है सूर्य से वो कौन सा है, मरकरी, बुध ग्रह, ठीक है। हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, कितने प्लेनेट्स हैं? 8, पहले 9 थे अब 8 हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेम द फार्थेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर का प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। द सन हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ, क्या है सन के पास? हीलियम और हाइड्रोजन।
लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। डोंट गो नियर फायर क्रैकर्स वाइल लाइटिंग देम। फायर क्रैकर्स के पास में नहीं जाना चाहिए जब आप उसे जला दें, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डोंट वेयर नायलॉन और पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। जब आप फटाके चलाए ना तो कभी भी नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो फटाफट से आग पकड़ते हैं। यहाँ पर एक टैप दे रखा है नल, जिसके नीचे हाथ धुले हुए दिखाई दे रहे हैं, धो रहा है कोई। तो लुक एट द पिक्चर चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले आपको हमेशा हाथ धोने चाहिए। द पुलिस ब्लैंक द थीव्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़नी है आपको, अरेस्टेड। अरेस्ट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। माय मदर ब्लैंक टू मुंबई यस्टरडे। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगा वेंट। यस्टरडे है तो सेकेंड फॉर्म ही आएगा, पास्ट फॉर्म ही आएगा, यस्टरडे बीता हुआ कल। तो यहाँ पर मेरी मदर गई थी बीते दिन मुंबई, तो वेंट हो जाएगा, गो का वेंट, गो वेंट गो सेकेंड फॉर्म। आर टीचर ब्लैंक अस टेंस यस्टरडे। हमारी टीचर ने पढ़ाया टेंस पिछले दिन, ठीक है, बीते दिन को पढ़ाया था। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगी टॉट, टीच का हो जाएगा टॉट, टी ए यू जी एच टी टॉट, सेकेंड फॉर्म होती है टीच का, टीच यानी पढ़ाना। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको एक कविता दे रखी है, कविता का एक पैरा दे रखा है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, नदियों की धारा से सीखो हरदम बहते रहना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊँचे ही पद चढ़ना। तो यहाँ पर सीख दी गई है फूलों से किस तरह से हंसना सीखें, भंवरों से गाना सीखें, झुकी हुई डालियों से शीश झुकाना सीखें। हमेशा झुके रहना चाहिए, वो ही सक्सेस पाता है। जो अड़ी रहता है वो एक ना एक दिन गिर जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो पानी की धार के साथ में पेड़ बहते हैं ना, वो कभी भी जड़ से नहीं उखड़ते, और जो तने हुए रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। नदियों की धारा से बहना सीखो, किस तरह से वो बहते हैं। हमेशा अपने पास को ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमेशा फ्यूचर की ओर जाते रहना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। धुएं से सीखो कि हमेशा ऊँचे की ओर कार्य करें, नीचा कार्य नहीं करें, ठीक है, ऊँचे ही पथ पर बढ़ते जाएं। गलत सीख ना सीखें, ठीक है, गलत चीज़ ना करें। प्रस्तुत पद्यांश में किससे हंसना सीखने को कहा गया है, फूलों से। किस तरह से खिले रहते हैं फूल हंसते हुए, इसी तरह से हमें खिलते रहना चाहिए। भंवरों से हमें क्या सीख मिलती है, गाना। झुकी हुई डालियों से हमें क्या सीख देती है, अपना शीश झुकाना, अपना सिर झुकाना, शीश यानी सिर। धुएं से हम क्या सीख सकते हैं, ऊंचे पद की ओर बढ़ना, हमेशा ऊंचाइयों वाले राह को बढ़ना। पद्यांश में आए नित शब्द का क्या अर्थ है, नित अर्थात हर रोज, प्रत्येक दिन। पद्यांश में आए तरु शब्द का क्या अर्थ है, तरु अर्थात पेड़। इनमें से किस शब्द में रेफ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ग्रह ग्रह शर्ट श्रुत, ग्रह ग्रह शर्ट, ये रेफ की मात्रा वाला शब्द है। इनमें से किस शब्द में रे रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है, गर्व, रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है गर्व में। रे पदिन के रूप में, पदिन यानी नीचे की ओर, कौन सा दिख रहा है आपको, यूज हुआ है ट्रेन में, ट्रेन ट्रक है ना, ये सभी पदिन के रूप होते हैं। और रेफ के जो कि ऊपर की ओर लगते हैं, गर्व है ना, शर्त, ये रेफ युक्त पद हैं। आर के ये विभिन्न पद होते हैं जिनका यूज किया जाता है। पाठ गोडावन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोडावन पक्षी कैसी आवाज निकालता है, हम की, ठीक है। गोडावन पक्षी की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 1 मीटर, काफ़ी बड़ा होता है पक्षी, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। अब थोड़ा सा विलुप्त होने की कगार पर है, राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है गोडावन को, ऊंट भी बनाया गया है। पाठ में आए मुहावरे, अपने मुँह मीहा मुठ्ठ बनना का क्या अर्थ है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इस तरह से डन होता है कक्षा 4वीं 5वीं के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्विज अभ्यास अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम और भी वीडियोस देखेंगे आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, तो जुड़े रहें हमारी चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।